ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक तथाकथित शराब घोटाले की जांच कर रही है। 2 साल से ईडी इस तथाकथित शराब घोटाले की मनी ट्रेल ढूंढ रही है। ईडी मनी ट्रेल क्यों ढूंढ रही है? क्योंकि ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन करती है। क्या इन्वेस्टिगेट करती है? मनी लॉन्डरिंग का क्या मतलब हुआ कि कहीं से भी अगर कोई गलत तरीके से किसी ने पैसा लिया है तो वो कहां गया, किसके पास गया, कैसे इस्तेमाल हुआ, किसने इस्तेमाल किया, इसकी जांच करना ईडी का काम है। 2 साल से आम आदमी पार्टी से जुड़ी मनी ट्रेल को ईडी खोज ही रही है। उन्हें आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नहीं मिला, मनी ट्रेल का नहीं मिला। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार ईडी से पूछा कि आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई मनी ट्रेल कहां है, मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई मनी ट्रेल कहां है, संजय सिंह से जुड़ी हुई मनी ट्रेल कहां है, और इस पर ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि जिस 100 करोड़ की मनी ट्रेल की ईडी बात कर रही है, जो आम आदमी पार्टी को वो कह रहे हैं गई है, जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ये मनी ट्रेल साबित नहीं हुई। उन्होंने कहा ये डिबेटेबल है, यानी ये संदेहास्पद है, इसको साबित नहीं किया गया। संजय सिंह जी के बेल के समय जब मनी ट्रेल पर सवाल उठे तो ईडी के पास कोई भी जवाब नहीं था कि आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई मनी ट्रेल कहां है। लेकिन इस पूरे केस में मनी ट्रेल ना मिलने के बावजूद आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, यहां तक कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार किया गया, सिर्फ और सिर्फ ईडी की एक मनी ट्रेल की आशंका पर। लेकिन 21 मार्च 2024 को इस लिकर पॉलिसी इन्वेस्टिगेशन में, इस लिकर पॉलिसी केस में पहली बार मनी ट्रेल का पुख्ता प्रमाण सामने आया है 21 मार्च को, कि किसने पैसे लिए, किसको दिए, कहां दिए, कब दिए, वो पैसे कहां गए, इसका पुख्ता प्रमाण 21 मार्च 2024 को सामने आ गया है। आज उस बात को 16 दिन हो गए हैं। तो जब एक मनी ट्रेल की आशंका पर रेड होते हैं, समन होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, तो एक पुख्ता मनी ट्रेल के आधार पर पिछले 16 दिन में ईडी ने कितने समन किए, ईडी ने कितने रेड किए, ईडी ने कितनी गिरफ्तारियां करी? और इसका जवाब यह है कि ईडी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये मनी ट्रेल शराब कारोबारी शरद रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जा रही है। तो मैं